Hello everybody, good evening all of you, welcome to our YouTube channel, this is your PM ma'am, kaise ho sabhi log, and aaj hum fir se aapke saamne hai full syllabus mock for NEET 22 with OMR practice, ye ek solve with me session hota hai, jab aap apni OMR sheet ko leke बैठते हैं बबल को फिल करते हैं सामने क्वेश्चन आता है साथ ही साथ मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन बताती हूँ सो दैट एंड ऑफ दी यू नो पूरी वीडियो यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स कि आपके मार्क्स बायोलॉजी में कितने आ रहे हैं ठीक है तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं आज ट्राई करेंगे कि इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में हम लोग कर पाए बिकॉज हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी कल एक घंटा लग गया था हमें करते करते आज इसको रिड्यूस करने का ट्राई हम लोगों को करना है बेटा तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं सेशन को बिल्कुल धूमधाम करके शेयर कर दो एंड बच्चों को बता दो कि मैम इज़ लाइव सो दैट आ जाए कोई बच्चा लेट ना हो ठीक है चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन पे बेटा क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाइए Which of the following is less general in characteristic as compared to genus? Less general कौन सा है Less general का मतलब होता है बेटा More specific. तो ज़्यादा specific कौन है तो ज़्यादा specific है मतलब जिसमें ज़्यादा common characters है ना वो genus है genus के बाद क्या है species है तो answer क्या हो जाएगा इसका Answer हो जाएगा इसका वन गुड इवनिंग आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर टू अब आपको इसमें बताना है क्या बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट ही बताना मुझे तो ऐसा लग रहा है चलो बहुत बढ़िया देखते हैं कितना करेक्ट है तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिंपल है बट बिहेवियर उसका कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल सही है Compared to many other organism, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. सही बात है बहुत ज़्यादा diversity show करते हैं Some of the bacteria are autotrophic, most are heterotrophic. Bacteria के पास cell wall भी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सभी यहाँ पर statements right है इसीलिए answer क्या हो जाएगा टू हो जाएगा यानी कि फाइव हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थ्री द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दो किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो क्या बताता है उसमें दो किंगडम्स होती है कौन सी होती है प्लांटी होती है एनिमेलिया होती है सही बात है किसने दिया था कैरलस लीनियस ने दिया था सही बात है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं करता था क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है वो भी प्लांट्स में थे जो फंगस है जो यूकैरियोट है वो भी प्लांटी में थे तो ये नहीं करता था इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर अपना फोर हो जाएगा एक्सीलेंट नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म के पास हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म के पास एम्ब्रियो सैक होता है चलिए बताइए Does gymnosperm has embryo sac? बताओ बताओ तो पहला वाला सही हो जाता है ठीक है कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म का अगर आप एंडोस्पर्म देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा तो ए ट्रू है लेकिन बी क्या है फॉल्स है ठीक है तो फोर्थ का आंसर इज थ्री नेक्स्ट ग्रीन स्टेम लिमिटेड ग्रोथ हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स इसे क्या बोला जाता है इसे क्या बोला जाता है ग्रीन स्टेम्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स आर कॉल्ड क्लेडोड्स इसे क्या बोला जाता है क्लेडोड्स बोला जाता है ठीक है आंसर इज टू एडिबल स्वॉलन पोर्शन ऑफ एलियम सीपा ये आपको पता है कहाँ का है मॉर्फोलॉजी की फैमिली का है
edible swollen portion of ileum sepa is? क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? लीफ बेस हो जाएगा. लीफ बेस जो होता है इसमें वो क्या होता है? एडिबल होता है. नेक्स्ट इधर आ जाओ बेटा. अब इसमें से आपको क्या क्या बताना है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है? सपोज ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है. इनका सेम हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का, दैट इज एन इज इक्वल्स टू 10. अब आपको बताना है कि इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर में इसका क्रोमोसोम नंबर रहेगा. राइजॉइड ऑफ ब्रायोफाइट, राइजॉइड ऑफ ब्रायोफाइट में कितना रहेगा? 10 रहेगा, एन ही होगा बिल्कुल. एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, तो इसमें भी 10 रहेगा. अगर तुम्हें यही पता था तो ही तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या है? 10 है. इसको बोलते हैं स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? प्रोथेलस में भी क्या रहेगा? 10 रहेगा. फूट और सीटा में 20 रहेगा. एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3N रहता है, इसीलिए 30 रहेगा. और एंथेरोजॉइड्स जो हैं मदर सेल के, उनमें रहेगा 10, ठीक है? बेटा बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो आप सभी लोग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन, सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होती है? तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोनोकॉट्स में नहीं होती है. तो तुरंत आंसर लग जाएगा कि रूट्स ऑफ मोनोकॉट में नहीं होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रैकीज, ट्रैकीज के लिए क्या ट्रू है बताओ? ट्रू फॉर ट्रैकीज, नाइन्थ का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया प्रखर, अच्छा आंसर दे रहे हो. राजेश, तृप्ति, स्नेही, गीतिका, नंदनी, जोसेफ. इनर सेल वॉल लेयर हैज थिकनिंग, इनर सेल वॉल लेयर पे क्या रहेगी? थिकनिंग रहेगी ट्रैकीज में. इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में क्या गलत है बताओ? इसमें क्या गलत दिख रहा है आप लोगों को? एब्रिन एंड रिसिन आर, एब्रिन और रिसिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे तो ड्रग्स लिखा है, तो ये तो गलत लिखा है, ठीक है? गुड. नेक्स्ट पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स के लिए कौन सेंसिटिव है? तो सेंसिटिव टू इनहिबिटर बेटा वही होता है जिसमें प्रोटीन यूज होता है. प्रोटीन यहाँ पे किस में यूज हो रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है. यानी कि 2 और 3 सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है, पर पहला जो है वो नहीं है सेंसिटिव. सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सेंसिटिव. वेरी गुड जानवी. कौन कैनावेलिन और कुरकुरमीन क्या है? ड्रग्स है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए. ये सारे स्टेटमेंट किसके लिए है? एलिमेंट को नेसेसरी होना चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होता है. तो ये सब क्या है? ये है क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी. ये सब क्या है बेटा? क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी है कि असेंशियल एलिमेंट्स के ये क्राइटेरिया होने चाहिए. चलिए मैच द कॉलम. कौन सा मिनरल किससे रिलेटेड है? कौन सा मिनरल किससे रिलेटेड है? ठीक है, पोटेशियम क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन करता है. मॉलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्पोनेंट है.
फॉस्फोरस क्या करता है बताओ, सेल मेम्ब्रेन में रहता है, फॉस्फोलिपिड। मैंगनीज और क्लोरीन क्या करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 113 का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल बनाना है बेटा ग्लूकोज का, ठीक है, तो कितने क्या चाहिए रहेंगे। तो जो ATP चाहिए रहेगी वो 18 चाहिए रहेगी, NADPH 12 चाहिए रहेगी, तो 114 का आंसर है 3। C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, कैल्विन साइकिल्स के एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। आप लोग बेटा OMR में बबल करते जाना, बबल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, क्लास को रेगुलरली नीट तक अटेंड करो आप, ये क्लास को है ना 16th की शाम तक इस क्लास को अटेंड करना है। आप देखो कितने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सारा क्वेश्चन NCERT का है, सब मैक्सिमम में मैंने मतलब पेज नंबर तक लिखे हैं, देखो कि कौन से पेज नंबर से ये है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो इस सेशन को रेगुलरली अटेंड करना है और अपने सारे दोस्तों से भी शेयर करना है। ए और बी क्या है, जब पायरुविक एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये ए और बी क्या बनता है, तो जो ये रिएक्शन है NCERT की, जिसमें ए क्या है एसिटाइल कोएंजाइम ए है और बी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, 116 का आंसर बी हो जाएगा, वेरी नाइस। चलो आगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, इसमें से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा होता है, तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है। इथाइलीन भी होता है पर एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कुछ प्लांट को एक्सपोजर चाहिए लाइट का, ठीक है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा, और किसी को क्या चाहिए क्रिटिकल पीरियड से कम। तो जिसको क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए उसे क्या बोला जाता है, तो जिसको क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए होता है उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स बोलेंगे। कम चाहिए ना, शॉर्ट के लिए डे चाहिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रकृति, वेरी नाइस। चलिए जोसेफ, वेरी गुड। ईस्ट्रस साइकिल किस में देखने को मिलेगी, वेरी इजी क्वेश्चन। ईस्ट्रस साइकिल प्राइमेट्स के अलावा जो भी मैमेलियन फीमेल से उसमें देखने को मिलेगी। प्राइमेट्स के अंदर कौन सी दिखती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखती है, ठीक है, वेरी गुड फिजा, बहुत अच्छे, मैमल्स के अंदर ये दिखती है। अब आ जाइए अगले स्टेटमेंट पे, टपेटम इज पॉलीप्लॉइड, टपेटम सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, बताइए क्या आंसर है। तो टपेटम पॉलीप्लॉइड होता है तभी तो न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, पर क्या ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है। तो ए वाला ट्रू हो जाएगा एंड बी वाला फॉल्स हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, गलत क्या है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप पढ़ो और बताओ कि क्या रॉन्ग है, बताइए क्या रॉन्ग है। तो क्या गलत है बेटा, समझे कि नहीं समझे अभी तक। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में कभी भी इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता है, बायसेक्सुअल में होगा तभी अपन क्या करेंगे उसको हटाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन, किसमें वेरिएशंस नहीं आते, किसमें वेरिएशन नहीं आते हैं। तो याद रखना लिंकेज है, टाइटली लिंक्ड है, पास पास है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा और लिंकेज नहीं आएंगे। कौन सा लॉ, मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर, किसके लिए है मेंडल का ये लॉ। तो ये जो मेंडल का लॉ है ये किसके लिए है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का,
Mendel's law of independent assortment holds good for non-homologous chromosome, homologous chromosome, extranuclear genetic material or same chromosome. क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका बताओ कमेंट बॉक्स में क्विकली. इट इज फॉर होमोलोगस क्रोमोजोम. होमोलोगस क्रोमोजोम्स के लिए होता है ये. नेक्स्ट पे आ जाओ. सिंगल जीन एक्सप्रेस करता है मोर देन वन इफेक्ट. इसे क्या बोला जाता है जब एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करता है इसे प्लियोट्रॉपी बोला जाता है. यानी कि इसका आंसर क्या है थ्री. द मोस्ट रीजनेबल इन्फरेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट डिफेक्ट्स इन डीएनए पेयर एंजाइम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सम कैंसर इज दैट डीएनए रिपेयर में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो कैंसर हो जाएगा ये कौन बताता है. मतलब कौन सी चीज़ इस चीज़ को वो सपोर्ट कर रही है ये बताओ. कौन सी चीज़ है बेटा. क्या आंसर होगा. द मोस्ट रीजनेबल इन्फरेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट डिफेक्ट्स इन डीएनए पेयर एंजाइम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सम कैंसर इज दैट. म्यूटेशन आंसर है इसका. म्यूटेशंस कैंसर करवा सकते हैं. ठीक है. मोस्ट लाइकली टू हैव मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट. सबसे हार्मफुल इफेक्ट किसका रहता है. सबसे हार्मफुल इफेक्ट बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का, डिलीशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन का, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन डाउनस्ट्रीम एंड क्लोज टू द स्टार्ट ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. कि बताओ स्टार्टिंग में ही तुमने गलत करवा दिया है तो 126 का क्या हो गया 4 हो गया. बेसिस फॉर द डिफरेंस इन हाउ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड. तो लीडिंग और लैगिंग अलग अलग कैसे है. कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को 3' एंड पे ही करता है ग्रोइंग स्ट्रैंड के. इसीलिए दोनों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है. तो 127 का फोर्थ है. लार्ज एक्सटेंट तक वेजिटेशन किसी भी एरिया में किस पर डिपेंड करता है. वेजिटेशन किस पर डिपेंड करेगा. तो जो वेजिटेशन होता है ये पीएच पर, मिनरल पर, कॉम्पोजिशन पर, टोपोग्राफी पर, सब पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. करेक्ट ऑप्शन बताइए. क्वेश्चन नंबर 129. बताओ बेटा मैनी जेरोफिटिक प्लांट्स के पास थिक क्यूटिकल है लीफ एपिडर्मिस पे और संकन स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने के लिए. बिल्कुल. कुछ जेरोफिटिक प्लांट में स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है जैसे कि कैम्प पाथवे जो स्टोमेटा को दिन को बंद रखता है. बिल्कुल सही. ओपनशिया की कोई लीव्स नहीं है, स्पाइंस में रिड्यूस्ड है. बिल्कुल सही. All adaptations are genetically fixed in all organism. ये all वाली बातें सही नहीं रहती है बेटा. ओपनशिया में फोटोसिंथेसिस C3 होता है कि C4 होता है. C4 होता है. तो आगे के तीन ही सही है इसीलिए आंसर है 1, 1, 2, 3. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर बता दो डीकम्पोजिशन का. तो मैंने इसको याद करने का तरीका आपको बताया है. FLCHM क्या तरीका है. FLCHM फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड वॉट मिनरलाइजेशन. तो आंसर है 4. प्रोडक्टिविटी एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे प्रोडक्टिविटी कैसे होती है बताइए. तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्रोड्यूसर का होता है. उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, एनर्जी भी बहुत सारी है.
उसके ऊपर जो ट्रैफिक लेवल है सेकेंड वाला, वहाँ की प्रोडक्टिविटी फर्स्ट के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट क्या है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, बिल्कुल है। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी कितनी होती है, 7 मिलियन होती है, ऐसा बोला था, बिल्कुल बोला था। बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटेस्ट इन ट्रॉपिक, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक में है, तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बेटा थम्स अप कर दो सेशन को, लाइक करते जाओ, बिल्कुल। इंडिया का शेयर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में कितना है, कल की क्लास में आया था, तो लैंड एरिया वो 2.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पर शेयर उसका कितना है, 8% है, 8% है। नेक्स्ट, मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस जो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर रहा है, इसमें से पार्टिकुलेट मैटर को कौन रिमूव करता है, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि SPM को कौन रिमूव करता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को कौन रिमूव करता है, तो इसका भी आंसर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बहुत बढ़िया, नम्रता, स्नेही, वृष्टि, गीतिका, अंशु, सुहेल, मैनक, आयु, नीट। इको सैंड टॉयलेट्स के बारे में क्या सही है? सस्टेनेबल सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और फीकल मैटर को ड्राई कंपोस्ट करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, वेरी यूजफुल फॉर रूरल एरियाज़, हाँ रूरल एरियाज़ के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइजीनिक है, मोस्ट इफ़ेक्टिव है डिस्पोजल के लिए, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में क्या करेक्ट है, व्हाट इज़ करेक्ट? तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल, पर उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 136 का 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर कभी बीच में लैग होता है तो क्लास छोड़ के मत जाना, मैम विल बी बैक। ठीक है, यू स्टे हियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को, सभी को वाटर चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, तुम्हें नहीं लग रहा है इसमें एक से ज़्यादा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन क्या है, 137 का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा जो है हमको इनकरेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। गार्लिक और अनियन का एडिबल पार्ट बताइए। ठीक है, आप गार्लिक और अनियन में क्या खाते हो, बताओ बेटा क्या खाया जाता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 138, फ्लैशी स्केल लीव्स, ऐसे बोलते हैं ना कि अनियन की वो छिलके मत छिलते जा वाली बात, तो वो क्या है, फ्लैशी स्केल लीव्स हैं, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा डोर, आयु, कशिश, नाइस। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर, जाइलम पैरेन्काइमा इसमें से क्या स्टोर करती है, 139, स्टार्च भी करती है, फैट भी करती है, टैनिन भी करती है, यानी कि 139 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा बच्चे कितने कंजूस हैं ना, 186 पीपल आर लाइव एंड ओनली 133 लाइक्स। मार्क द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग। ऑड क्या है, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए बनाता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनाता है और मोनोसेक्राइड सेलुलोज बनाता है। तो ग्लिसरॉल और मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके लिपिड्स एंड फैट्स बनाते हैं ना, तो ये ऑड वन है, ग्लिसराइड्स बनाते हैं, ये गलत है बेटा, 1/3 आंसर है इसका, इसका आंसर 3rd है। चलिए, वन कैन स्टडी वाटर लॉस। वाटर लॉस पढ़ने के लिए आप क्या यूज़ करोगे और पेपर कैसा हो जाता है वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, आपको ये भी बताना है। तो इसका आंसर क्या है 141 का, बताओ। वी कैन स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड।
विच विल टर्न द पेपर कलर और कलरलेस. तो इससे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक हो जाता है जब मॉइस्ट रहता है और ब्लू हो जाता है जब ड्राई रहता है. तो इसका आंसर कलर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो एच एंड स्लैक पाथवे में बनता है C4 प्लांट्स में. ठीक है, इसके बारे में बताओ, C4 का पहला प्रोडक्ट क्या है. तो हम सभी को पता है C4 यानी कि 4 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा. ठीक है, कहाँ बनता है, मीजोफिल में कि बंडल शीट सेल में. मीजोफिल में कि बंडल शीट सेल में, बताओ जल्दी से. थैंक यू सुमन. नहीं नहीं, सेलुलोज तो बेटा पॉलीसेकेराइड है, पर पॉलीसेकेराइड कैसे बनता है, मोनोसेकेराइड मिलके बनता है, ऐसा पूछ रहे हैं वो कि क्या मिलके बन रहा है. ठीक है, तो 142 का आंसर क्या हो गया बेटा, 142 का आंसर 2 हो गया. चलो, जब हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो किस सीक्वेंस में हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है. तो सबसे पहले अगर आप भूखे रहोगे तो पहले सारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगा बॉडी का, फिर फैट ख़त्म होगा बॉडी का, और आखिरी में आपके प्रोटीन्स ख़त्म होंगे. तो इसका 143 का आंसर 3 हो जाएगा. पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन रिलीजेस टू. पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, वेरी गुड सुहेल, नम्रता, पांडा, हिमांशी, मालिक, जगन, हरिवंश, प्रखर, सुधाकर, आश्रिता, कृष्णा, तनिष्का. तो ये जो रहता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, मतलब पॉलन जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक जाएगा. ठीक है, कुछ जो टेक्सोन है इंसेक्ट्स के उसमें 17 क्रोमोसोम है, किसी में 18 क्रोमोसोम्स हैं. ऐसा क्यों है, नीट के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 145 वाला. तो जो 17th वाला है वो क्या है, मेल है, और जो 18 वाले हैं वो क्या है, फीमेल्स हैं. क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या रहेगा, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. चलो, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. तो डीएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है. तो डीएनए का कोई डायरेक्ट रोल जो है इसमें हमको नहीं दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला बताइए, द फॉर्मूला ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पे इसका, dn by dt is equals to rn k minus n by k. very good शिवाकर, गिलहरी, इशिका, प्रकृति, very nice. क्रायो प्रिजर्वेशन कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, 148 NCERT में लिखा है, पेज नंबर 267 पे बेटा. तो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, चलो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये आपको बताना है. व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, 149. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज 10% लेस देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. गलत, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, सेकेंडरी वाली क्या होती है, कम होती है. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, नो, इट इज़ द फॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसर्स. तो ये दोनों गलत हैं, ये वाले क्या हैं, ये वाले दोनों क्या है, करेक्ट हैं. तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा, 149 का आंसर सी हो जाएगा. बहुत बढ़िया आशा, हरिवंश, इशिका, अलार्म, आशा, गुड. फोम जो है फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा माश, ये जो सिटीजन्स हैं किस पे काम करते हैं, तो ये जो सिटीजन्स हैं ये काम करते हैं सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट पे, है ना, मार्श वगैरह ले करते हैं ये, है ना. वेरी गुड सार्थक, मनप्रीत, गुड.
विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट नीरीज, नीरीज के बारे में क्या ट्रू नहीं है बताओ. वॉट इज नॉट ट्रू अबाउट नीरीज, एक बात बताओ बेटा. नीरीज इज मोनोइशियस और डायोशियस. तो जो नीरीज होता है वो क्या होता है, डायोशियस होता है. ठीक है, इसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंट तो नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया होते हैं. ठीक है, तो इन्होंने गलती से जॉइंट पेयर्ड वगैरह लिख दिया है, लेकिन आंसर तो तुम टू लगा दो. ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम किसमें मिलेगा. वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें मिलता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेट. और कैनाल सिस्टम किसमें मिलता है, पोरीफेरा में मिलता है. सो 152 का 4. ट्रू स्टेटमेंट बताइए, विच वन इज ट्रू. 153 ट्रू ट्रू बताइए. न्यूरॉन एंडिंग्स आर नोन एज आउटपुट जोन. हाँ, न्यूरॉन एंड हो रहा है मतलब आउटपुट क्या है, निकल रहा है. फिर नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा. कुछ प्लांट में मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना, बिल्कुल सही. और सी वाला भी सही है कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपियरेंस बता रहा है. तो 153 का क्या आंसर हो जाएगा, 1, कि सभी ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पे आते हैं, करेक्ट पेयर बताइए. स्टार क्वेश्चन है, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल का जो आपका कंसेप्ट है यहीं पे क्या होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कैसी होती है बताओ. चलो 154 तो मैं बच्चों को ही बताने दूंगी, जितना जल्दी हो कमेंट बॉक्स में बता दो. 154 बताओ बेटा. बेटा ये जो मॉक है डेली रात को 8:30 PM होगी इसी यूट्यूब चैनल पर नीट तक, इसको एक भी दिन हम लोगों को मिस नहीं करना है. चलो तो आंसर आ चुका है, इट इज 3. आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है, लेटरल होती है, टर्गाइट डॉर्सल होते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन लेटरल होती है, टर्गाइट डॉर्सल, हाँ, और ये स्टर्नाइट वेंट्रल होते हैं. चलो, इनकरेक्ट अबाउट क्रोमोसोम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. इनकरेक्ट क्या है, तो सब मेटासेंट्रिक की दो इक्वल आर्म कैसे हो सकती है, मेटासेंट्रिक की होगी ना दोनों इक्वल. तो मेटा में क्या है, जो सेंट्रोमियर है मिडिल में है, तो दोनों इक्वल आर्म मेटा में होगी ना कि सब मेटा में. इसमें तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होगी. टोनोप्लास्ट क्या है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या होता है बताएं जल्दी से. व्हाट इज टोनोप्लास्ट, तो जो टोनोप्लास्ट होती है बेटा वो वैक्यूल जो है प्लांट सेल में उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं. माइटोसिस में डॉटर सेल बनते हैं, ये डॉटर सेल कैसे बनते हैं, हाउ आर डॉटर सेल फॉर्म्ड. तो ये जो डॉटर सेल बनते हैं यहाँ पर वो बिल्कुल पेरेंट सेल के यू नो आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोजिशन वाले बनते हैं. ठीक है, और दोनों के क्रोमोसोम नंबर्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. नेक्स्ट पे आ जाओ. द फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स का कहाँ होगा, बृष्टि तनिष्का प्रकृति बेटी जुगनू. 158 तो जाइगोटीन में होगा और एक इसमें डिप्लोटीन में होगा. मैच कर देते हैं बेटा, आंसर 158 का 2 हो गया ना, 158 का 2 हो जाएगा. चलो अगले पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेरी गुड इफ्फत. अब अपन को मैच करना है यहाँ पे, जरा जल्दी जल्दी 159 वाले क्वेश्चन को मैच कर देते हैं. मैरिस्मस में ड्राई और रिंकल्ड स्किन हो जाती है. गैस्ट्रिन क्या है, हार्मोन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. क्वाशियोरकर में बॉडी स्वेल हो जाती है और लाइपेजेस फैट को डाइजेस्ट करते हैं. यानी कि 159 का आंसर क्या हो जाएगा, 159 का आंसर विल बी 4. 159 का क्या रहेगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा. नेक्स्ट,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए. 160 इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट क्या होगा इसमें से? गलत स्टेटमेंट. उव्यूला प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से, कि एपिग्लॉटिस होता है जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है और खाने को ट्रैकिया में नहीं जाने देता है बेटा. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर इनकरेक्ट वाला तो यही हो जाएगा, बाकी तो सारे सही हैं. कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहती है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कितनी रहती है? 161 वाला बताओ. तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारी लंग्स में ही रहती है. इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है, ठीक है? डी वाला गलत है. देखो, हार्ट फेलियर को कार्डियक अरेस्ट थोड़ी बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज होती है बेटा. तो डी वाला तो पता ही है कि गलत है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हार्ट मर्मर बोलते हैं क्या? ये भी गलत है. एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है जो इनफ ऑक्सीजन हार्ट की स्केलेटल मसल, हार्ट में तो कार्डियक मसल होती है, उस तक नहीं पहुंच पाता है. तो सी बी भी गलत हो गया. तो पहले पे आ जाओ. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी. ईसीजी के लिए बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, बॉडी के बाहर ही पता कर लेते हैं. सारे स्टेटमेंट गलत है बेटा. 162 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 70% अमाउंट ऑफ द ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है. कब चला जाता है जल्दी बताओ, कब चला जाता है? मैक्सिमम 70% अमाउंट ऑफ द ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल इन कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग. बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कमेंट बॉक्स में आने दो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. 163 का क्या होता है? 163 का जॉइंट डायस्टोल में एक्चुअल में 70% क्या हो जाती है? वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाती है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, कि इतना फिलिंग कब हो गई. नेक्स्ट चलो मैच कर देते हैं जल्दी जल्दी. लिवर बाइल पिगमेंट, स्वेट ग्लैंड NaCl, सेबेशियस हाइड्रोकार्बन, और लंग्स क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. इधर 164 का आंसर 4 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है ADH के इन्फ्लुएंस में. बताओ निशा, बिश्नोई, नंदी, कृष्णा, कार्डो. तो देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो जो रीनल ट्यूब्यूल में करता है वो PCT ही करता है, ठीक है? भले ही ADH काम करे या नहीं करे, ADH काम करेगा तो DCT से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, लेकिन जब ADH भी काम करेगा ना तब भी मैक्सिमम कहाँ से होगा? PCT से ही होगा. मस्कुलर मूवमेंट में जॉइंट किसकी तरह काम करता है? ये वाला क्वेश्चन देखो NCERT की बहुत बढ़िया लाइन है. ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही कभी पहले देखा होगा इस लाइन पे बना हुआ, ठीक है? तो ये फलक्रम का काम करता है. किसका करता है? फलक्रम का करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? 167 पे आ जाओ बेटा. ये भी गलत है, ये भी गलत है, है ना? कौन कौन सा गलत है? एक मिनट, रुको रुको रुको. 167
ये तो सही है। तो ए और सी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ओनली बी इज राइट। ठीक है, कि रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन करेगा कि ट्रोपोमायोसिन करेगा। सिनैप्स को मोटर यूनिट थोड़ी बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन सा है? 168। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बताओ। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन न्यूरल सिस्टम होता है बेटा। नर्वस सिस्टम एक पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करता है। नॉट मेड अप ऑफ न्यूरल सेल। कौन सा चीज इंसेक्ट के न्यूरल सेल में नहीं रहता है? इंसेक्ट के पास क्या क्या नहीं है बताओ? क्या इंसेक्ट के पास ब्रेन है? क्या इंसेक्ट के पास गैंग्लियन है? तुम मुझे बताओ क्या क्या है, क्या नहीं है, ये बताना है। नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ गैंग्लिया भी है, ब्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ है, न्यूरल टिश्यू भी है, मतलब सब कुछ तो है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता है। तो आंसर है नन ऑफ दी अबव, सब है उसके पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है? एंड इज अटैच्ड टू डैश, किससे अटैच्ड है, दोनों बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस कैविटी में है उसे क्या बोला जाता है? उसे सेला टर्सिका बोला जाता है। और वो स्टॉक से अटैच रहती है, किससे? हाइपोथैलेमस से। बेटा बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो, हाइपोथैलेमस से। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कैल्शियम बैलेंस इज मेंटेन बाय। हमारी बॉडी में कैल्शियम को कौन मेंटेन करता है? तो हमारी बॉडी में दो हॉर्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम को मेंटेन करता है। एक ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, दैट इज पैराथायरॉइड हॉर्मोन, और एक ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। एक थायरॉइड से रिलीज होता है TCT, और एक पैराथायरॉइड से होता है, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा इसको जूम भी करते हैं अपन, ध्यान से देखो। ए बी सी क्या है? ये ए वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, 1 2 3, ए बी सी ऐसे बताना है। क्या आंसर है बेटा 172 का? वॉट इज द आंसर ऑफ 172? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कि ये कॉर्पस लूटियम है, ये टर्शरी फॉलिकल है एंड ये प्राइमरी फॉलिकल है। द पीनिस इन द मेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो उसको इरेक्ट होने में हेल्प करता है। इरेक्शन से क्या फैसिलिटेट होगा, किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? तो इट विल हेल्प इन वॉट? इट विल हेल्प इन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन में मदद करेगा। तो 173 का 4 हो जाएगा। मेल का जो स्टरलाइजेशन है उसमें किस चीज़ को कट करके लाइगेट किया जाता है ना? तो मेल का जो स्टरलाइजेशन होता है उसे क्या बोला जाता है? अश्विन, कशिश, अंजनी, कृष्णा, निशा, गीतिका, रमेश, दिबाद्रता, सुकृति, क्या बोला जाता है? उसे वास डिफरेंस बोला जाता है, और ये हेल्प करता है वैसेक्टॉमी में। नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है बताओ? क्लिनिकल मैनेजमेंट टू हेल्प अ कपल टू कंसीव इज कैरीड आउट इन अ फर्टिलिटी क्लिनिक। नॉट ट्रू पूछ रहा है, मतलब देखो बताओ क्या है इसका। क्लिनिकल मैनेजमेंट टू हेल्प अ कपल टू कंसीव इज कैरीड आउट इन फर्टिलिटी क्लिनिक, NCRT।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना बेटा। वल्नरेबल एज कौन सी होती है? वल्नरेबल एज तो ये नहीं है बेटा। फिर दूसरे पे आ जाओ, आर्ट में जायगोट फीमेल, मतलब बी तो सही है, तो बी वाले तुम रिजेक्ट कर सकते हो। तुम्हें ए और सी पे ही क्या होगा, ए और सी पे ही डाउट होगा। ठीक है, जल्दी बता दो जल्दी से। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हेल्प करते हैं बेटा उसको ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। आर्ट, ठीक है, स्पेशल टेक्निक होती है आर्ट। ठीक है, तो इसको फर्टिलिटी क्लिनिक वगैरह अपन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में ए बी सी सीक्वेंस में बताओ, ए वॉज द एंसेस्टर ऑफ बी एंड बी इज द एंसेस्टर ऑफ सी। कौन किसका एंसेस्टर है? 176, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस और फिर होमो इरेक्टस। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो अर्थ का फॉर्मेशन आज से 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। तो 177 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है, विच वन इज रॉन्ग। चलो देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्मॉल डोज ऑफ लाइव एक्टिव पैथोजन को वैक्सीनेशन में डालेंगे तो डिसीज हो जाएगी। तो बी तो 100% ही क्या है, गलत है, और बी सब में आपको दिख भी रहा है, तो बी तो है ही। जब एंटीबॉडी फॉर्म होती है बॉडी में, हमारी खुद की बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, तो इसको पैसिव बोलेंगे क्या? इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे, यानी कि बी और सी तो गलत है ही। इम्यून सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा कि बी और सी क्या है, इनकरेक्ट है। मिसमैच्ड बता दो, मिसमैच्ड क्या है? 179, तो मिसमैच्ड क्या हो जाएगा? तो जो मिसमैच्ड है वो अमीबिक डिसेंट्री है, इसको रेडियोग्राफी से थोड़ी पता करेंगे। चलिए, कौन सी ब्रीड दी गई है इस डायग्राम में? क्वेश्चन नंबर 180। ठीक है, तो ये वाली जो दी गई है बेटा, ये जर्सी है और बी वाली लेगहॉर्न है। तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 3 सैंपल है बीओडी के, 2, 10, 25। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन दी वाटर, तो जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है तब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अरेंज करना है हायर डिजॉल्व से लोअर डिजॉल्व। तो आर क्यू पी, यानी कि 181 का आंसर क्या हो गया है? 181 का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑपोजिट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं? वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने के पहले क्या करा जाता है? तो सीवेज को ट्रीट किया जाता है, लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने के पहले। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? 183, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग करते हैं न्यूक्लियस को। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्लाज्मिड है? 184, कौन सा प्लाज्मिड है बेटा? इसकी फोटो तक बनी है एनसीईआरटी में। विच वन इज अ प्लाज्मिड? PBR 322 क्या है? एक प्लाज्मिड है।
तो इसका आंसर है 1। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुली यूज होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस करता है ताकि हम पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रोजी हाई फैट नहीं बनाती है, ठीक है, और कार्डियक डिसीज़ नहीं, अल्जाइमर्स वगैरह जेनेटिक डिसीज़ के लिए ये मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और बिफोर मंकी में यूज़ करने के पहले भी करते हैं। साइकॉन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर, साइकॉन्स कैसे होते हैं? तो साइकॉन है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है लूज सेल एग्रीगेट, क्या है? लूज सेल एग्रीगेट है, तो मल्टी सेलुलर है और सेलुलर लेवल। पॉली राइबोसोम्स में राइबोसोम कौन से आरएनए से अटैच्ड होते हैं? ठीक है, तो एमआरएनए से अटैच होते हैं। सलाइवा में कितनी चीज़ें हैं बेटा, इसमें से बताओ, सलाइवा में कितनी चीज़ें हैं? 188, तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी कुछ है, तो 188 का क्या आंसर हो जाएगा? 188 का आंसर 3 हो जाएगा, है ना, कि सारी पांचों चीज़ें हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इसमें से ट्रू कितने हैं देखो, हीमोग्लोबिन ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, सही बात है। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हैबिटेट के बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे, सही बात है। केमिकल रिसेप्टर्स एओटिक आर्क कैरोटिड आर्टरी, सही बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 हायर होती है कि CO2 हायर होती है? उल्टा लिख दिया है, तो सिर्फ 3 ही क्या है सही है, तो द आंसर इज 3। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, कौन है एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड? तो दैट इज ईओसिनोफिल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे। चलिए दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि ट्रू क्या है। कॉर्टिकल पार्ट जो है किडनी का क्या सिक्रीट करता है? रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में करता है। एंजियोटेंसिनोजन 2 ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग PCT टू रीअब्सॉर्ब मोर NaCl एंड वाटर। 191 क्या आंसर होगा बेटा? देखते हैं 191 का कौन बताता है। द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ किडनी सिक्रीट्स रेनिन, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस करता है, कहाँ पर है? तो खैर बोल सकते हैं कि कॉर्टेक्स में ही है। ठीक है, तो इसमें अपन ए करेक्ट मानेंगे, बी नहीं मानेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ाता है। चलो अपन दोनों करेक्ट बोल सकते हैं बेटा, है ना, कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, GFR को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो द आंसर इज 3। स्लो फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर रेड इन कलर, स्लो फाइबर्स हैव लेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताओ आंसर क्या है? तो स्लो फाइबर्स जो होते हैं क्या वो रेड इन कलर होते हैं, और क्या उनमें लेस SR होती है? सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2। नर्व फाइबर्स आर, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? 193, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स आप किसको बोलोगे? नर्व फाइबर्स आर, एग्जॉन को नर्व फाइबर बोला जाता है, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिकली किसका पता है? PNS का। तो
तो इसका आंसर सी हो जाएगा. एक्सोथैल्मिक गोइटर इज ड्यू टू. एक्सोथैल्मिक गोइटर क्यों होता है? तो जब थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तब एक्सोथैल्मिक गोइटर होता है. सो द आंसर इज टू. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? सर्टोली सेल क्या करेंगे? तो जो सर्टोली सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस करेंगे डेड स्पर्म का, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाएंगे, इनहिबिन, एंटी मलेरियन, सब कुछ. तो 195 का क्या आंसर है? 195 का आंसर ऑल है, ऑल है. करेक्ट ऑप्शन क्या है? 196. बस बेटा चार क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लो. 196 बताओ. Unequal ability of individual to adapt for survival leads to accumulation of favorable traits over generation. सही बात है. बहुत सारी स्पीशीज ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो. सही है. 196 का आंसर है टू. प्री फॉर्म्ड एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज कब दी जाती है? तो प्री फॉर्म्ड दी जाएगी टिटनस में, स्नेक बाइट में, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द टर्म इन ब्रीडिंग रेफर्स टू. इन ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? जब हम मेट करते हैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को सेम ब्रीड में चार से छः जनरेशन, तो 198 का हो जाएगा वन. नेक्स्ट पे आते हैं. करेक्ट डायग्राम बता दो. विच वन इज करेक्ट डायग्राम? तो यहाँ से अपन क्या डालते हैं बेटा? एक जगह से डालते हैं स्लज, दूसरे जगह से क्या निकालते हैं? स्लरी निकालते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसको मैच करना है. पर इसमें आप देखोगे तो दो ऑप्शन जो हैं बिल्कुल क्या है. देखो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखो कि ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे रहता है स्लरी वाला. ठीक है, मतलब एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, इस हिसाब से आपको लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. प्लाज्मिड हैज़ बीन यूज्ड एज वैक्टर बिकॉज. ठीक है, तो प्लाज्मिड को वैक्टर की तरह क्या यूज़ किया है? क्योंकि सर्क्यूलर है और ये यूकैरियोटिक डीएनए से जुड़ जाता है. तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा. आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा. जिसने भी आज की लाइव मॉक अटेंड करी है, मॉक टू बेटा, जिसने भी आज का मॉक अटेंड कराए, डू कमेंट हैशटैग मॉक टू डन. एंड आज का